हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 के फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में कि आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। चाहे आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स होंगे, सभी के बारे में हम बात करेंगे। चाहे आपकी कास्ट कैटेगरी जो भी हो, सभी के लिए हम बात करेंगे कि आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फास्ट अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 9, 10 और 11, 12 के बच्चों के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबके लिए जारी किया गया है। कक्षा 9, 10 तथा कक्षा 11, 12 छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जुलाई से स्टार्ट है और 20 अक्टूबर 2024 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ये स्पेशली जो नोटिस आया है वो ओबीसी के बच्चों के लिए है और लगभग लगभग सभी बच्चों के लिए डेट वगैरह कुछ दिन आगे पीछे रहता है, इसी के आसपास है। और सभी जितने भी कल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। अब बारी आती है जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं, जैसे कि कोई कोर्स वगैरह करते हैं यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे कह लिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी वगैरह, बीबीए, एमबीए, नर्सिंग के कोई भी, एलएलबी वगैरह को, जितने भी कोर्स करते हैं सभी के लिए लास्ट डेट क्या है। तो आपको मालूम है कि इसमें जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका फॉर्म 3 शिफ्ट में फिलअप होने वाला है और तीसरे शिफ्ट की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 तक। आप चाहे पहले शिफ्ट में फॉर्म फिलअप कीजिए, चाहे दूसरे शिफ्ट में, चाहे तीसरे शिफ्ट में। हाँ, ये होगा कि अगर जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आगे की समस्या नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सामने होता है कि उनकी कैटेगरी के फंड में पैसा खत्म हो गया होता है तो उनका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने लेट से फॉर्म फिलअप किया था। अब जब पहले फॉर्म फिलअप करेंगे तो सबके लिए पैसा आने की डेट भी अलग अलग है। फॉर्म 3 शिफ्ट में फिलअप होगा तो पहले शिफ्ट का जो पैसा है सबसे पहले आएगा, फिर दूसरी शिफ्ट का पैसा उसके 2 महीने बाद आएगा, फिर तीसरी शिफ्ट पैसा जो है उसके 2 महीने बाद आएगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। इसमें हम जनरल की बात करें, जो जनरल के बच्चे हैं तो इनका जो फॉर्म फिलअप होगा 2 शिफ्ट में होगा, जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024 है। और इसमें जो ओबीसी के बच्चे हैं उनका 17 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनका 17 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। ये थोड़ी बहुत डेट वगैरह आगे पीछे हो भी सकती है, बढ़ भी सकती है, विभाग फिर से सूचना जारी करेगा कि हाँ जैसे ओबीसी के बच्चे हैं उनका एक ही शिफ्ट में फॉर्म फिलअप हो रहा है तो विभाग फिर से लास्ट में सूचना जरूर जारी करेगा कि हाँ इनकी भी डेट 15 दिन 20 दिन फिर से बढ़ गई है, चाहे इनकी भी डेट जो है दिसंबर के लास्ट में चली गई है। बहरहाल अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यही है जो मैंने चीज आपको बताई, इस डेट से पहले ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब यहाँ पे करेक्शन की डेट भी सभी के लिए जारी हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कक्षा 9, 10 और 11, 12 के बच्चों को करेक्शन की डेट देखिए 5 नवंबर 2024 से लेकर के 11 नवंबर 2024 तक है। इसी प्रकार से पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के जो बच्चे हैं उनके भी करेक्शन डेट जारी हो गई है। सभी कैटेगरी बाई कैटेगरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि हाँ अगर आप फॉर्म गलत तरीके से फिलअप कर दिए हैं, कोई समस्या आ गई है, फॉर्म आपका लॉक हो गया है, तो आगे चल के आपको करेक्शन कैसे करना है। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।